झारखंड बजट सत्र का आज नौवां दिन है। विधानसभा में सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले आज भी बीजेपी विधायकों ने राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। वहीं सदन की कार्यवाही शुरू होने के बाद विधानसभा स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने बीजेपी विधायकों से कहा कि रोज रोज टी शर्ट पहनकर रहना सही नहीं है। स्पीकर ने विधायकों से टी शर्ट उतारने की अपील की। प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्यवाही शुरू होते ही आज फिर से सदन में नई नियोजन नीति का मुद्दा गुंजा। विपक्ष के विधायक लगातार इस मुद्दे को सदन में उठा रहे हैं। बीजेपी विधायक भानु प्रताप शाही ने एक बार फिर सदन में नई नियोजन नीति पर सरकार से वक्तव्य की मांग की। प्रश्नकाल में जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने पेसा एक्ट के तहत नियमावली बनाकर इसे राज्य में लागू करने का मामला उठाया। विधायक ने राज्य में पेसा एक्ट लागू करने की मांग की। इस दौरान विपक्षी विधायक सदन में हंगामा शुरू कर दिए। हंगामा को देखते हुए स्पीकर ने प्रोसीडिंग का प्रसारण बंद करवाया। साथ ही कहा कि सदन का नजारा तो आप देख ही रहे हैं, इसलिए प्रसारण बंद कर दिया गया है। प्रसारण बंद होने पर विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने आपत्ति जताते हुए कहा कि मेरे साथ भेदभाव हो रहा है, जब तक प्रसारण शुरू नहीं होगा कोई भी सवाल नहीं करूंगा। वहीं विधायक लोबिन हेम्ब्रम की आपत्ति वाली बात पर स्पीकर ने कहा कि भेदभाव वाली बात लोबिन हेम्ब्रम वापस ले लें। जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम के सवालों का जवाब देते हुए मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पेसा एक्ट के बिना पंचायत चुनाव कराने को सही बताया था, इसलिए इसके बिना पंचायत चुनाव हुए। मंत्री ने पेसा एक्ट शीघ्र होने का आश्वासन भी दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि 12 विभाग का रिपोर्ट आ चुका है, 3 विभाग का रिपोर्ट आना बाकी है, इसके आते ही एक्ट लागू कर दिया जाएगा। वहीं निर्दलीय विधायक सरयू राय ने आम्रपाली खदान का मामला उठाया। उन्होंने आम्रपाली खदान से शिवपुर रेल साइडिंग तक में हुई अनियमितता की जांच के लिए बनी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई नहीं होने का मामला उठाया। साथ ही ओवरलोडिंग रोकने और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। प्रश्नकाल के बीच बीजेपी विधायक बार बार वेल में उतरकर हंगामा करते रहे। इस पर स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने बीजेपी विधायकों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि चेयर को डायरेक्शन ना दें, आप सभी जैसा आचरण करना चाहते हैं वह सदन में नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों की तर्ज पर मैं कुछ भी नहीं करना चाहता, मुझे मजबूर ना करें, आप अपने दायरे में रहकर विरोध करें। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो की बात को सही बताते हुए आजसू विधायक सुदेश महतो ने कहा कि विपक्ष सिर्फ एक ही मांग कर रहा है, लेकिन लगता है कि स्पीकर की कुर्सी दाहिने तरफ ज्यादा झुका हुआ है। इस पर स्पीकर ने कहा कि आपकी सोच का कुछ नहीं कह सकते। वहीं इसके बाद आजसू विधायक सुदेश महतो ने स्पीकर से सदन का गतिरोध दूर करने के लिए कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाने की मांग की। भोजनावकाश के बाद सदन की कार्यवाही शुरू होने पर बीजेपी विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा ने अनुदान की मांग पर कटौती का प्रस्ताव पेश किया। वहीं विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि विपक्ष की इस तरह के टी शर्ट पहनकर सदन में बोलना संसदीय व्यवस्था के खिलाफ है। बीजेपी विधायकों के टी शर्ट पहनकर सदन में शामिल होने पर नाराज सत्ता पक्ष के विधायक वेल में पहुंच गए और इसे सदन के आचरण के खिलाफ बताया। इसके बाद बीजेपी विधायक भी वेल में पहुंच गए और दोनों तरफ से जोरदार नारेबाजी की गई। इसी बीच स्पीकर ने सदन को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग मांगा, लेकिन सत्ता पक्ष टी शर्ट खुलवाने पर अड़े रहे। वहीं स्पीकर ने कहा कि दुख है, दूसरी पाली में अच्छी चर्चा होने की उम्मीद थी। इसके बाद बढ़ते हंगामे को देखते हुए सदन को एक बार फिर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। झारखंड में जैक बोर्ड की मैट्रिक इंटर की परीक्षा 14 मार्च से शुरू हो गई है। मैट्रिक और इंटर की परीक्षा शुरू होने के साथ ही प्रशासन ने राजधानी रांची के करीब 87 स्थानों पर निषेधाज्ञा लागू कर दिया है, जो अगले 3 अप्रैल तक जारी रहेगा। निषेधाज्ञा के तहत किसी एक जगह पर 5 या उससे अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर पाबंदी लगाई गई है। अगर लोगों को एक जगह पर जमा होते देखा जाता है तो उन पर प्रशासन कड़ी कार्रवाई कर सकती है। बता दें कि मैट्रिक और इंटर की परीक्षा का आज दूसरा दिन है और इसे लेकर परीक्षार्थियों में काफ़ी उत्साह दिख रहा है। पहले दिन परीक्षा देने के बाद भी परीक्षार्थी काफी खुश नजर आए। उन्होंने बताया कि परीक्षा अच्छी जा रही है। ईपीसी राष्ट्रीय संघर्ष समिति का एक दिवसीय रास्ता रोको आंदोलन जमशेदपुर में किया गया। संघर्ष समिति और मजदूर संगठन के लोगों ने सड़क पर निकलकर अपना विरोध जताया। इनकी मांग है कि ईपीसी के तहत पेंशन भोगी मजदूरों को प्रति माह 7,500 रुपया दिए जाए, साथ ही टीए और मेडिकल फैसिलिटी भी दी जाए। इस मांग को लेकर लगातार मजदूर संगठन आंदोलन करता रहा है। आज भी संगठन ने पोस्टल पार्क तक रैली निकाली और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि हमें भी सामान्य सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो हमारा अधिकार है। पेंशन से लेकर मेडिकल और अन्य सुविधाओं पर अब कोई वार्ता नहीं होगी, सरकार को इसे देना ही होगा। जमीन के बदले नौकरी मामले में लालू यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने सभी को जमानत दे दी है। कोर्ट ने उन्हें 50,000 रुपए के निजी मुचलके पर बेल दी है। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई ने गिरफ्तारी के बिना चार्जशीट दायर की थी। वहीं सीबीआई ने भी लालू यादव सहित 16 आरोपियों को जमानत देने का विरोध नहीं किया। अब अगली सुनवाई 29 मार्च को होगी।